हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो मैं आज आपको भी दिखाने जा रहा हूँ इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग टूल और साथ में हाइकनेशी ब्रेकआउट टूल। ये दोनों ट्रेड का दोनों टूल का मैं आपको जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। देखो, ये हमारा इंडिकेटर बेस्ड, इसका मैंने आपको अभी हम इसका मैं आपको लाइव लाइव डेमो ट्रेड दिखाऊंगा। तो ये देखो, आज का ये लाइव डेमो ट्रेड है जिसमें 8095 रुपीज़ हमने यहाँ पे ये लाइव पेपर ट्रेड है इसमें किया। तो यहाँ पर जो है हमने इस्तेमाल जो किया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, बट हमने यहाँ पर एक सिंपल सा स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया कि जब हमारी ग्रीन कैंडल बन जाए और साथ में हायर क्लोज हो जाए और जब अपोजिट कैंडल रेड बने तब वो एग्जिट हो जाए। सेम हमने पुट साइड में भी ये इस्तेमाल किया है। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पर जो है 200-250 के प्रीमियम को लिया है और साथ में एक लॉट से हमने इसको स्टार्ट किया और हम मैक्सिमम लॉस जो रखा वो 10 पॉइंट का रखा हमने। कितना रखा? 10 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस और टारगेट हमने बड़ा रख दिया यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। साथ में हमने यहाँ पर अल्टरनेट मल्टीपल का इस्तेमाल किया, मतलब ये जो क्या होगा लॉट को अगर हमारे को लॉस होता है तो धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा लॉट को। ठीक है, और हाइकनेशी कैंडल पे हमने ट्रेड करा है। ठीक है, और साथ में आपको जो है मैं आपको ये जो हमारा दूसरा टूल है हाइकनेशी कैंडल ब्रेकआउट टूल, उसका लॉजिक भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम चार्ट पर। तो हम चार्ट पर यहाँ देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला था कि हाई ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और साथ में हायर क्लोज होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी और फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल बनी साथ में हायर क्लोज हुआ, ये एंट्री कर गई और फिर एंट्री होने के बाद में अपोजिट कैंडल जब रेड बनी तो एग्जिट कर देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टूल को लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए बहुत सी बार छोटी छोटी ट्रेड होती है तो उस कंडीशन में लॉस होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको ओवरकम करने के लिए हमको लॉट मैं यहाँ पर देख मैं बताता हूँ को यहाँ पर जो है ना अल्टरनेट मल्टीपल, मतलब कि लॉट को धीरे धीरे स्लोली स्लोली इंक्रीज किया और इंक्रीज करने से क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। इंक्रीज करने से क्या हुआ कि जैसे हमारा ये देखो टोटल रेट हमारी कितनी हुई 8095। तो ये कैसे प्रॉफिट हुआ कि जो पहली ट्रेड हमारी स्टार्ट हुई एक लॉट से, फिर दूसरी ट्रेड भी उसी लॉट से होगी, मतलब अल्टरनेट हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे हमारा लॉट को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर से हमें 30 लॉट में 15-15 पहले हुआ, फिर 30 लॉट में ट्रेड हुई उसमें 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हमें फिर भी लॉस में थे इसलिए फिर से 30 का ट्रेड हुआ, 60 60 और फिर 120। तो 120 का जैसे ही ये हमारा शुरुआत में हमको यहाँ पर जो है 6 ट्रेड तक हमको जो है कंटिन्यूसली क्या हुआ लॉस चला, लेकिन जो 7वीं ट्रेड में हमको एक बम्पर प्रॉफिट हुआ उसने पूरा कवर कर लिया। अब देखिए यहाँ फिर 1-1 ट्रेड 15-15 से क्वांटिटी ट्रेड हुई, जब जैसे 30 हमारा अगले ट्रेड से बम्पर प्रॉफिट हो गया तो क्वांटिटी रिसेट हो गई, फिर से क्या हो गई 50, मतलब इनिशियल साइज पे फिर क्वांटिटी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने अल्टरनेट मल्टीपल हमने बोला है टूल को कि आप जो है कब तक जा सकते हो, आप 12 बार ये काम कर सकते हैं। तो हमारा काम कितने में हमने टूल को अलाउ किया 12 बार। कहने का मतलब है कि हमने चाहते कि हम 480 क्वांटिटी से ज़्यादा जाएँ, तो 480 क्वांटिटी से हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर कितना हमारा हम 6-7 टाइम तक चले गए थे, 7 टाइम हमारा इटरेशन गया, 7 टाइम तक हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में हमारी क्वांटिटी रिसेट होकर वापस से इनिशियल लॉट पर आ गई। तो इस तरह से हमने क्या है एक सिंपल सा लॉजिक को इस्तेमाल किया, हाइकनेशी वाले लॉजिक को इस्तेमाल किया है और इस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाइकनेशी के अलावा हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल लॉजिक है, आप MACD, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, या फिर आप चाहते हैं कि हमको रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जब ये जैसे यहाँ पर भी है यहाँ रिट्रेस होकर नीचे आ गया और फिर हमारा ट्रेड डले, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार रिट्रेस हुआ, दो बार रिट्रेस हुआ, तो हम कितनी बार उनको रिट्रेस करा सकते हैं, वो रिट्रेस होकर करा करके हम अल्टरनेट मल्टीपल को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक्सपोनेंशियली हमारे लॉट इंक्रीज हो, ताकि जो प्रीवियस ट्रेड में जो लॉस हुआ उसको हम कवर कर सकें। तो ये यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उसको पेपर ट्रेड करके हमको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइकनेसी बेस्ड। तो यहाँ पर वो पिछले वाला टूल भी हमारा पूरा कस्टमाइज से हम अपनी मर्जी से लॉजिक सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा ये जो टूल हाइकनेसी ब्रेकआउट टूल, यहाँ भी हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इसको कैसे रन करना वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है कि यहाँ पे ये टूल ऐसे वर्क करता है कि जैसे मान लीजिए ये ग्रीन रेड कैंडल का ब्रेकआउट का वेट करता है, क्या करता है रेड कैंडल, जैसे अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं, ये वाला कैंडल का देखो ब्रेकआउट हो, ये वाले कैंडल का अगले ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो जैसे ब्रेकआउट होता है ऐसे एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद हमारे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है कि इसको ट्रेल कैसे करना है। तो ट्रेल कराने के लिए इसका जो लो है वो हमारा पहला ऐसे ले, उसके बाद में इसके सेकंड इसके लो, इसके लो, इसके लो, जो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनती जा रही है उनके लो पे हमारा क्या हुआ एसएल शिफ्ट होता चला जा रहा है।
ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है मूव एस एल टू प्रीवियस लो, प्रीवियस लो कैंडल पे एस एल शिफ्ट होता चले जा रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं लेना है और आप चाहते हैं कि 5 या 10% का प्रीमियम इंक्रीज हो और जो जो मेरा जो एस एल है कोस्ट टू कोस्ट शिफ्ट हो जाए, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रेल टू कोस्ट, ट्रेल टू कोस्ट भी हम ऑप्शन सिलेक्शन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद में हम यहाँ पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हो सकता है जैसे हम मान लीजिए कि 4 लोट से ट्रेड कर रहे हैं तो 2 लोट हमारे 5% बुक हो जाए, अगले 2 लोट हमारे 10% बुक हो जाए। अगर 10% पे नी भी बुक होते हैं तो हमारा जो एसएल ट्रेल हो रहा है वो ट्रेल जब भी हिट होगा तो अगले जो 2 लोट हैं वो जब भी एसएल ट्रेल होगा जहां तक ट्रेल होके जाएगा वहां पर बुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं 5% मैंने पहला टारगेट 5% का रख लिया आधी क्वांटिटी का, और आधी क्वांटिटी का मैंने टारगेट रख लिया 200%। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमने इसको रन किया तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमने क्या ऑप्शन लिया था कि पहला टारगेट 2% और दूसरा टारगेट हमारा 5%, लेकिन हमने क्वांटिटी कितनी ली थी, 6 लोटे ली थे यहाँ पे। ठीक है, 6 लोट लेने के बाद में हमने यहाँ पे वही अल्टरनेट लोट का इस्तेमाल किया मल्टीप्लीकेशन का, और कितना उसको बोला कि भाई आप 8 बार से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। ठीक है, 8 बार से आगे आप ज़्यादा नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि अगर आपने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में आप जो है एस एल ट्रेल होगा ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, साथ में कोस्ट कोस्ट करना चाहते हैं वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, और पार्शली प्रॉफिट आधा या क्वांटिटी आधी क्वांटिटी मान लीजिए 1/3 क्वांटिटी फिर यहाँ क्वांटिटी बुक करना चाहते हैं 3 पार्ट में, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। साथ में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि मान लीजिए यहाँ पे करने के बाद भी लॉस हो गया तो अगली ट्रेड में हम जो है क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा करके ट्रेड करें। ठीक है, तो वो वहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है, हमने अल्टरनेट लोट को सिलेक्शन कर लिया। फिक्स्ड लोट करते तो वो क्या है, हर बार जो हमने लॉट इनिशियल साइज में लिया वही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। अब आइए दिखाते हैं मैं आपको जो है इसका लाइव एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, आप बहुत सारे ऑप्शंस को सिलेक्शन करके अपना कस्टमाइज लॉजिक डाल सकते हैं। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टूल कुछ नहीं कर रहा, टूल जस्ट आपकी प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है, जो आप सोच रहे हैं जो आप चाह रहे हैं उसको ऑटोमेट कर रहा है और कुछ नहीं। टूल के अंदर ऐसा कोई जादू नहीं है कि ये जो मतलब नो लॉस ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ये आप जो टूल को बोलेंगे वो टूल उस प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर लाइव एग्जीक्यूशन। ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है हमने हमारा जो है ये इंडिकेटर बेस्ड टूल है जिसके अंदर हम जो है किस तरह से हाइकनेशी कैंडल को इस्तेमाल किया है, और साथ में हमने प्रीमियम को 200 से 250 के प्रीमियम लिए और मात्र 10 पॉइंट कैसे लगाया है। ठीक है, तो एक कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है, हम अपना कोई सा भी इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, और लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा है, लगभग 8000 के अराउंड हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह से जो ये देखो लाइव पेपर ट्रेड है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है, हम अपना कोई सा भी लॉजिक यहाँ पर डाल करके उसको टेस्ट कर सकते हैं, और साथ में ये हाइकनेशी वाला ब्रेकआउट टूल है। हाइकनेशी ब्रेकआउट टूल के अंदर हमने जो है बोला कि भाई 200 से 300 के बीच की प्रीमियम हमें लेना है, साथ में 2 लोट से हमको स्टार्ट करना है, पहले 1 लोट मतलब 50% क्वांटिटी 5% प्रीमियम पे बुक हो जाए, दूसरी जो 200% बुक हो जाए। साथ में हम यहाँ पर हमने अल्टरनेट लोट का इस्तेमाल किया, अल्टरनेट लोट का मतलब ये हुआ कि अगर हमको लॉस होता है तो वो लोट को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी यहाँ पर लगभग 3:02 का टाइम हो रहा है, 6600 इधर 15 क्वांटिटी से हमारा अभी ट्रेड चल रहा है, तो ये लॉट साइज को जो है अगर लॉस होता है तो उस कंडीशन बढ़ाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाएगा। और ये फिर हमने एक और हाइकनेशी टूल के एक और स्टांस को रन किया, उसमें 50% क्वांटिटी 2% के मात्र प्रीमियम पे बुक होगी, और अगली 50% क्वांटिटी 5% के प्रीमियम पे रन होगी, और इसको हमने 6 लॉट से स्टार्ट किया, अल्टरनेट का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हमने बोला कि भाई 8 इटरेशन मतलब 8 बार से ज़्यादा आप इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 3 बजे का टाइम हुआ, हमने टाइम क्लोजिंग टाइम डाला था 3 बजे, 3 बजे का टाइम क्लोज हुआ और ये 7596 पर ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो है हमारा टूल वर्क करता है, मैंने आपको पहले भी समझाया, किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर हमको जो है हमारा तरफ से हम कुछ भी जो है ब्रेकआउट टूल के अंदर किस तरह से हम ट्रेल करवा सकते हैं, प्रीवियस कैंडल के लो पर ट्रेल करा सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करा सकते हैं, और ब्रेकआउट किस तरह से करता है, वो प्रीवियस कैंडल के रेड कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करता है, और ये हमारा इंडिकेटर बेस्ड टूल है। इंडिकेटर में हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको सिंपल कॉम्बिनेशन बताया है कि जो है हमने यहाँ पर सिंपल कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन से, हाई केनिशी का कॉम्बिनेशन लिया था, चाहे तो हम दूसरा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रेड लगभग 3:03 का टाइम हो रहा है और हम इसको अभी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको क्लोज कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये टूल वर्क करता है और किस तरह से काम करता है। तो आपको जो है अगर इसमें अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक, आप कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के अंदर आप कोई सा भी अपनी मर्जी से लॉजिक डाल सकते हैं, और हाई केनिशी ब्रेकआउट टूल के अंदर आप अपनी मर्जी से टाइम फ्रेम ले सकते हैं और कितने बड़ी कैंडल लेना है जिसमें ब्रेकआउट करना वो हम डिसाइड कर सकते हैं, और कोस्ट टू कोस्ट प्रीवियस कैंडल पर हम उसको ट्रेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किस तरह से पार्शली प्रॉफिट बुक करना, वो सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आप सब लाइव करने से पहले पेपर ट्रेडिंग करके इसको सबको अच्छे से चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये सही सूट करता है आपको या नहीं। थैंक यू वेरी मच।